नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों, बिहार सरकार की विशेष सहायता राशि जो कि 4 लाख खाते में 1-1 हज़ार रुपये भेजे गए हैं, ये डेली बाय डेली पेपर में इस न्यूज़ को दिया जा रहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी हमारे बिहार से बाहर रह रहे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, वो उनके खाते में जो है सरकार 1-1 हज़ार रुपया दे रही है और उसे जो है 8 लाख से अधिक आवेदन इसके लिए आए हुए हैं और बैंक खाते में भी गया हुआ भुगतान है और मुख्यमंत्री राहत कार्य की प्रतिनिधि प्रतिदिन जो है कर रहे हैं इसकी गहन समीक्षा, यानी किसके खाते में गया है, नहीं गया है, कौन बाहर है, कैसे रह रहा है, ये सारी बातों को जो है सरकार उसे समीक्षा कर रही है और उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा विस्तार रूप से मैं बताऊंगा और इसकी न्यूज़ भी पेपर में दी गई थी, उसी पेपर के कटिंग से मैं आप लोगों को यह न्यूज़ दे रहा हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसलिए बार बार वीडियो बना करके मैं आपको डाल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को यह पता नहीं है कि आपके खाते में पैसे आया है या नहीं आया है तो इसको किस तरह से चेक करना है। मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने यह बातों को जिक्र किया हुआ है और दिखाया भी है किस तरह से आपको पैसे चेक करना है अपना कि 1 हज़ार आया है या नहीं आया है, तो किस तरह से उसे चेक करना मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं बार बार आपको जैसे ही पेपर में आता है न्यूज़ मैं आप लोगों तक इसे शेयर करता हूं, इसलिए दोस्तों मैं इसके सहायता के राशि के बारे में मैं हर वीडियो आपको छोटी बड़ी जो भी वीडियो है मैं सारे वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा तो उसे मैं आपको लिए चलता हूँ उसके न्यूज़ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 4 लाख खाते में 1-1 हज़ार रुपये भेजे गए और यह सूचना जनसंपर्क तरफ से आया हुआ है, जो कि 8 लाख से अधिक आवेदन आए और बैंक के खाते में किया गया भुगतान, मुख्यमंत्री राहत कार्य की प्रतिदिन जो है कर रहे हैं इसे गहन समीक्षा। और लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के 4 लाख लोगों को विशेष सहायता राशि के रूप में सरकार जो है 1-1 हज़ार रुपये का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है, यानी DBT के थ्रू उन्हें भेजा जा रहा है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो है उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। और सहायता राशि के लिए 8 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, शेष लोगों के खाते में सहायता राशि भेजने की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कोरोना संक्रमण के से उत्पन्न स्थिति को चलाए जा रहे राहत कार्य की प्रतिदिन गहन समीक्षा कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। कहा है कि राज्य के स्कूलों में बने 3199 क्वारंटाइन के सेंटर को 32,994 लोगों को रखा गया है, उन्हें भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और बिहार में अभी तक 6,250 लोगों की सैंपल जांच की गई है, जिसमें 61 कोरोना के मरीज मिले हैं और 18 लोग ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं और उसमें से एक की मौत भी हुई। इसी तरह 42 कोरोना मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर नहीं है। सिवान और बेगूसराय में जहां पर अधिक कोरोना के केस मिले हैं वहां डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी जो कि मैंने आप लोगों तक शेयर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मैं फिर एक बार नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।